हमारे पास है HP का बहुत ही पुराना मॉडल HP लेजर जेट 1020 प्लस। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रिंटर रहा है HP का, लेकिन अब ये डिसकंटिन्यू मॉडल हो गया है। लेकिन इसमें खासियत है कि बहुत ही ज़्यादा सर्विस देने वाला प्रिंटर है, और इसमें बहुत छोटी छोटी सी कॉमन प्रॉब्लम आती है, जिसमें छोटी सी एक प्रॉब्लम है पेज पिकअप का। अगर पेज पिकअप नहीं करता तो हमें क्या करना है, इसमें पिकअप रूलर लगा रहता है, एक रबर टाइप का बैंड रहता है, उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसे या तो धुल लीजिए निकाल के, या तो एक बार इसको धुल के ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो सीधे सीधे चेंज कर दीजिए। मार्केट में 500 रुपये का आता है। अगर आपको कहीं और से नहीं होता तो आप आसपास के लोकल टेक्नीशियन करा, लेकिन खुद कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है बड़ी आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये पिकअप रोलर लगा है, यही होता है पिकअप रोलर, एक रबर रहता है। इसको रिमूव कैसे करना है बहुत ही आसानी तरीके से बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कॉटेज लगा रहता है, इस कॉटेज को ऐसे आपको खोलना है, इस तरह कॉटेज आपकी बाहर आ जाएगी और इस तरह से आपको ये पिकअप रोलर दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, ये जो प्लास्टिक के दो कड़े हैं, इन दोनों को आपस में दोनों तरफ से खींचना है कि बाहर आ जाएगी। फिर लगाना कैसे, वापस उसी के लगा के प्रेस करेंगे फिट हो जाएगा। इतना ही करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वापस से उसी पे इंसर्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसा आपने निकाला उसको वैसे ही वापस रखना है इस तरह से, और इसे प्रेस करना है, वो अपने आप फिट हो जाता है। I don't know.